जनपद सीतापुर सिधौरी इलाके के कसमंडा विकास क्षेत्र ग्राम पंचायत चौड़िया कोठार का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय की टूटी बाउंड्री वॉल, असुरक्षित बच्चे, ग्राम प्रधान मोतीलाल मौर्य की खामोशी के चलते अश्लील स्लोचन दीवार पर लिखे जाते हैं। तेंदुआ बराव पूर्व माध्यमिक विद्यालय की बाउंड्री टूटी होने से विद्यालय के बच्चे असुरक्षित हैं। अवकाश के समय में विद्यालय परिसर में मवेशियों का जमावड़ा बना रहता है, साथ ही बाहरी तत्व भी विद्यालय में नुकसान कर चले जाते हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय तेंदुआ बराव की चार दीवारी टूटी होने से विद्यालय पूरी तरह असुरक्षित है। बाउंड्री टूटी होने से छुट्टा मवेशी घुस जाते हैं, जिसे बच्चों के साथ हादसे का अंदेशा बना रहता है। इतना ही नहीं, विद्यालय के अवकाश के बाद मवेशियों का जमावड़ा रहता है। छुट्टा जानवर गंदगी कर विद्यालय परिसर की स्वच्छता को खराब कर देते हैं। इसके साथ ही शरारती तत्व भी अवकाश के समय में विद्यालय में अपना अड्डा जमाए रहते हैं। इन तत्वों की ओर से विद्यालय के फर्श के साथ ही विद्यालय भवन की दीवारों को भी क्षति पहुंचाया जाता है। वे विद्यालय भवन की दीवारों पर अश्लील स्लोचन लिख जाते हैं। सुबह विद्यालय खुलने के बाद शिक्षक विद्यालय की साफ सफाई कराते हैं। बताया जाता है कि विद्यालय में बाउंड्री वॉल तो बनाई गई थी, करीब एक वर्ष से टूटी बाउंड्री निर्माण की राह देख रही है। इसके बाद भी विभागीय जिम्मेदार टूटी बाउंड्री की सुध नहीं ले रहे हैं। शिक्षकों ने बताया कि बाउंड्री क्षतिग्रस्त होने से काफी समस्या होती है। बाउंड्री की मरम्मत हो जाने पर इस समस्या से निजात मिल जाएगी। इसके साथ ही विद्यालय में बिजली की व्यवस्था भी नहीं है। लोगों ने विद्यालय में टूटी बाउंड्री की मरम्मत निर्माण कार्य ठप